अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब खैर हो। आप कैसे होंगे? माशाल्लाह से आज हम न्यू व्लॉग स्टार्ट करने जा रहे हैं और मेरे पास एक गुड न्यूज़ भी है आप सबके लिए। अभी मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारे चिक्स खेल रहे हैं माशाल्लाह से। सुबह का वक्त है, मैं अभी सुबह का दाना डालता हूँ सबके पास ही। रखी बात ख़त्म है, मैं सुबह का दाना डालता हूँ ताकि खाएँ। बजीस के पास तो है काफ़ी, पानी भी है इनके पास, सर इन चूज़ों के पास नहीं है और कबूतरों को हमने डालना है, बाकी तो हर किसी के पास है। और ये देखें एक चूज़ा यहाँ पे, ये तो जोड़ा हमारा यहीं पर रहता है, बस ये अंडा नहीं दे रहा, पता नहीं कब देगा अंडा। उम्मीद है कि जल्दी दे दे अंडा ये भी। और एक पेयर हमारा ये रहा, ये भी अंडा नहीं दे रहा है, क्या पता इसी वीक में देते हैं अंडा ये भी। ये देखें हमारी डब जो है माशाल्लाह से ना आराम से बैठी रहती है हमारे से, इधर इधर घूमती रहती है, अच्छा खासा इनके लिए बड़ा केज है। और ये भी कबूतर हमारे ठीक हैं बिल्कुल, और ये वाले भी बिल्कुल ठीक हैं कबूतर, एक वो बैठा हुआ है एक ये बैठा हुआ है। माशाल्लाह सफाई हो गई है, बस अभी इनको इन ट्रे में डाला है, लेकिन अभी इनके मिट्टी के बर्तन इंशाल्लाह मैं ले आऊँगा इस आज या कल, फिर इनको उसी मिट्टी के बर्तन में डाल के दिया करेंगे। ऐसे ना फीड जो है ना बहुत ज़्यादा ना ज़ाया होती है, फीड भी दाना भी। लेकिन मैंने एक चीज़ है माशाल्लाह से, जो आज वाइट वाले हैं ना इनको खोला हुआ है, और ये भी यहाँ फिर मज़े से, और ये जोड़ी तो हमारी वहीं रहती है। और जो माशाल्लाह से जो सरप्राइज़ था आप सबके लिए वो था ये मोर के बच्चे माशाल्लाह से, ये देखें लेटा हुआ आराम से ना, आराम से लेटा हुआ फुल मज़े में ये। और ये देखें उठ गया, और ये वाइट वाला मोर, ये वाइट मोर का बच्चा, और दूसरे माशाल्लाह एक्टिव है, ये फुल एक्टिव है ये माशाल्लाह से, एक न्यू बर्ड के हमारे सेटअप एंट्री है। पर दुआ करेगा ऐसे ही सलामत से अच्छे से बड़े हो जाए तो बहुत मज़ा आ जाएगा। और माशाल्लाह से ये कबूतर भी हमारे फिट जा रहे हैं, ये वाले भी नीचे वाले कबूतर भी बहुत सही जा रहे हैं, और फाख्ता भी हमारी बिल्कुल सही है। बजीज तो वैसे ही वैसे माशाल्लाह से ठीक है, अभी हमने और भी बजीज लाने हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द आएंगे। और ये भी हमारी कबूतरी जो है ना ये अंडों पर बैठी है माशाल्लाह से, इसके बच्चे भी जल्द निकल आएंगे, तो एक और अच्छी सी गुड न्यूज़ होगी वहाँ के। उनको भी देख रहे थे कि अंडा देने को ही नहीं आ रही, मुझे लगता है कि आज अंडा दे देगी आज अंडा दे देगी, लेकिन अंडा दे ही नहीं रही, यहीं पे रहते हैं। हालांकि घोंसला भी है, अल्लाह करे एक दो दिन में दे दें। चलो ये भी हमारे एक और एंट्री हो जाएगी, इनके अंडे आ जाएंगे तो बच्चे भी निकल आएंगे उम्मीद है। बाकी मैं इनको शाम का दाना पानी डाल देता हूँ अभी, फिर आप सबसे मिलता हूँ इंशाल्लाह। दोस्तों रात हो चुकी है, हसन में रात हो चुकी है, हमने शाम को इनको दाना वगैरह डाल दिया था माशाल्लाह से, और इन सब ने खा भी दिया, अब ये इनके पेट फूल होंगे, लेकिन अभी भी ये कुछ ना कुछ चूज़ा लगे हुए हैं, शायद रात का खाना खा रहे हैं इसलिए। बाकी ये हमारे लक्का का पेयर खुला हुआ है, मैं सोचूँ इन्हें बंद कर देता हूँ ताकि इनका भी कोई सीन बने और ये भी अंडा दें। बाकी नीचे ये हमारे आराम से बैठे हैं मज़े से, डव भी फिंचिस भी, चलो ना गर्मी हो रही है इधर काफ़ी, अभी तो पंखा लगा दिया इधर, इंशाल्लाह एक से दो दिन में कोशिश करते हैं इधर कूलर लगा दें इन लोगों के लिए, ताकि ना सारा काम फिट हो गया। अभी ये गर्मी से ना ज़्यादा थोड़े से परेशान हुए हैं। और हमारी डव और फिंचिस भी माशाल्लाह से ठीक है, ये फिंचिस हैं, ये डव बैठी है हमारी, ये भी ठीक है माशाल्लाह से। ये देखें, और ये हमारे नए मेहमान मोर के बच्चे, मोर के चिक्स बाहर निकलने की तो कर रहे हैं इंशाल्लाह, इन्हें एक से दो दिन में मैं बाहर निकालूंगा इंशाल्लाह। बाकी जो हमारा जो दूसरा प्यार है, ये देखें ये देखें दूसरा प्यार ज़्यादा है, उम्मीद है ये अंडे दे दें एक दो दिन में ना। बाकी अरे चूते जो है ना ये ना इनके पिंजरों के नीचे गए हैं, ये देख ये इधर उधर फिरते रहते हैं आराम से, ये भी एक इधर फिर रहा है
बाकी इधर ही फिर रहे हैं। और हमारे दो हैं ना कबूतर, वो हमारे इसके नीचे हैं, वो शायद नज़र आ रहे हो आपको, वो नीचे ये आराम से इधर इधर इसके नीचे या इसके कोने में रहते हैं। बाकी तो माशाल्लाह से फिट जा रहा है हर कोई। चले आपको मिलते हैं हम अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।